और कितना लाउड है यार इसका एग्जॉस्ट नोट, और इसका एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है अभी एकदम से न्यू है। और बात करो इस बाइक का टेल लैम्प का, तो इसका इंडिकेटर पे हम लोग को टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। एज यू कैन सी गाइस, ये अभी इधर पे डाउन पे किया हुआ है। अगर इसको हम लोग इधर से निकाल देते हैं, देखो ये हाइट हाई हो जाएगा। फिर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग का पास है द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450, जो कि गाइस आप लोग इधर पे देख पा रहे हो। एंड ये जो कलर हम लोग को इधर पे मिला ये है काजा ब्राउन, एंड काफ़ी सही लग रहा है गाइस ये बाइक का लुक्स। आप लोग को मैं पहले इस बाइक का एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। देखो यार कुछ ऐसा इस बाइक का लुक्स, एंड इसका प्रीवियस जो मॉडल था हिमालयन उससे ये कंप्लीट एकदम चेंज है। इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ LED है, हेडलाइट LED है, उसके बाद आपका सामने USD फोक्स है। एंड गाइस अभी मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ कि इस गाड़ी का क्या है, कौन सा कलर है, कौन सा वेरिएंट है। तो आप लोग के सामने ये जो काजा ब्राउन कलर का ये जो बाइक दिख रहा है हिमालयन 450, ये है सबसे बेस वेरिएंट, और इसका काफ़ी सारा और कलर है, मैं आप लोग को इधर पे बता देता हूँ। ये इधर पे हो गया काजा ब्राउन, एंड उसके बाद स्लेट पॉपी ब्लू, स्लेट सॉल्ट, कैमल वाइट, हैनल ब्लैक, ये सब कलर में भी ये गाड़ी जो है अवेलेबल है। हो सकता है गाइस अपकमिंग डेज में जो है मैं वो सब बाइक लेके भी वीडियोस क्रिएट करूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस क्या है। तो काजा ब्राउन का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 2,69,000, जो एक शोरूम प्राइस आप लोग को ऑल ओवर इंडिया में यही एक शोरूम प्राइस मिलेगा, और डिफरेंट सिटीज पे जो है डिफरेंट ऑन रोड प्राइस होता है। तो इसके लिए मैं इधर पे एक शोरूम प्राइस ही मेंशन किया हूँ। स्पेशल थैंक्स टू राइडर्स कॉर्नर शिव मंदिर, जो कि मेरे को ए रिव्यू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस बाइक को देखे। आप लोग को अगर बाइक का टेस्ट राइड एंड बाइक का लुक्स वगैरह देखना है, आप लोग रॉयल एनफील्ड राइडर्स कॉर्नर विजिट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप लोग उधर से जाके जो है ये बाइक को चेकआउट कर सकते हो। गाइस एज यू कैन सी इधर पे हम लोग को कंप्लीट चेंज एक लुक्स इधर पे मिलता है। इसका प्रीवियस वाला जो हिमालयन था ना, इससे ये कंप्लीट चेंज है। इसका हेडलाइट आप लोग देख सकते हो, हम लोग को ये जो हेडलैम्प मिलता है एकदम कंप्लीट LED मिलता है, जो कि इससे पहले वाला वेरिएंट पे हम लोग को नहीं देखने को मिलता था। और इसका विंडशील्ड का जो शेप है ये भी थोड़ा सा अलग है। उसके बाद इसका जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स का आप लोग एक क्लोज व्यू देख लो, एकदम फुल LED इंडिकेटर्स हम लोग को इधर पे मिलता है। एंड इधर पे नंबर प्लेट होल्डर जो कि कुछ ऐसा है। इसका फ्रंट मडगट देख लो, कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, मतलब एकदम कंप्लीट चेंज लुक हम लोग को इधर पे मिल रहा है। और सबसे कई स्पेशल जो बात है, इस पर हम लोग को अभी मिल जा रहा है USD फोक्स, जो कि आप लोग इधर पे देख पा रहे हो। एंड जस्ट नीचे आते हैं हम लोग को इधर पे हिमालयन का बैचिंग देखने को मिल जाता है। इस बाइक में ना गाइस हम लोग को सारा कुछ एकदम प्रीमियम फिनिशिंग का साथ मिलता है। प्रो एंड कॉन्स का अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो इस बाइक पे मेरे को और एक चीज़ मेरे को कमी महसूस हुआ अभी तक, कि इस पे ट्यूबलेस टायर दे देना चाहिए था। जो भी है कंपनी ने कुछ सोच के ये काम किया होगा। इधर पे हम लोग को USD फोक्स तो हम लोग इधर पे मिलता है, जो कि काफी ज्यादा नीडेड था। और इधर पे अभी हम लोग आ जाते हैं इस बाइक का मेन चीज, जो कि है इंजन। ये बाइक हम लोग को मिल जाता है 452 cc लिक्विड कूल इंजन, एंड इसका जो BHP है 40.2 एंड टॉर्क है 40 Nm टॉर्क। साइड पे आते हैं हम लोग को इधर पे कुछ ऐसा फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। साइड पे आते हैं हम लोग को इधर पे कंप्लीट चेंज एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। काफी प्रीमियम लग रहा है ये एग्जॉस्ट सिस्टम, देखो कुछ ऐसा आता है इसका लुक्स। एंड कैटलिटिक कन्वर्टर इधर पे है, और साइड पे आते हैं कुछ एग्जॉस्ट हम लोग को ऐसा मिल जाता है। इसका फुटेज वगैरह देख लो, कुछ ऐसा है। इसका अगर मैं बात करूँ तो सीट का हाइट जो है आप अप एंड डाउन कर सकते हो, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एग्जॉस्ट पीछे से कुछ ऐसा लगता है। अभी बात कर लेते हैं गाइस इस बाइक का रियर टायर का, जो हम लोग को इधर पे मिल जाता है 140/80/17 inch का, जो कि टायर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है। C8 का टायर इधर पे कंपनी से दिया गया है। पीछे का जो गाइस डिश है ये हम लोग को मिल जाता है 240mm का, और ये बाइक जो है डुअल चैनल ABS है। इस ABS को हम लोग स्विच कर सकते हैं, मतलब रियर ABS को हम लोग बंद कर सकते हैं, दैट्स इट। और बैक आते ही गाइस इधर पे हम लोग को एक मतलब अलग ही चीज़ देखने को मिलता है, जो कि इस बाइक का कोई टेल लैम्प नहीं है। टेल लैम्प का अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इधर पे जो इंडिकेटर हम लोग को दिख रहा है इस पे ही टेल लैम्प हम लोग को मिल जाता है, जो कि मैं आप लोग को अभी ऑन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये जो बाइक है इस पे हम लोग को इंडिकेटर्स पे टेल लैम्प मिल जाता है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए आप लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ रहा होगा। देखो इधर पे रेड कलर का जो है लाइट हम लोग को देखने को मिलता है। तो टेल लैम्प इसका इंडिकेटर में दिया गया है, और इनबिल्ट हम लोग इस पे जो है LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। जो पे रॉयल एनफील्ड का बैचिंग साइड पे आते ही रहा इसका साड़ी गार्ड कुछ ऐसा है, एंड चेन पॉकेट इधर पे, और एक चेन गार्ड है शायद, ये मेरे को ठीक से पता नहीं है। आप लोग को पता है तो गाइस जरूर से जरूर कमेंट डाउन कर देना।
और उसके बाद गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक का फ्यूल टैंक का, जो कि हम लोग इधर पे 17 लीटर का साथ मिल जाता है। और कंपनी तो क्लेम करता है कि एक बार इसको फुल टैंक कर लेते हैं तो 500 किलोमीटर प्लस जो है बाइक चलेगा। अगर टूर में निकलते हो तो फ्यूल का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अगर टैंक को आप फुल करते हो तो काफी लॉन्ग लॉन्ग स्टेज आप एक बार में कवर कर सकते हो। तो इसका ये 17 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इधर पे हिमालयन का, काफी प्रीमियम सा लोगो हम लोग को मिल जाता है जो कि हम लोग को कंपनी से मिलता है। और अभी बात करते हैं गाइस इस बाइक का मीटर का, तो मीटर का अगर बात करूं तो ये हम लोग को फुल इधर पे डिजिटल मीटर मिल जाता है। बट यस गाइस इस पे हम लोग को काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है। इस पे हम लोग को GPS मिल जाता है, नेविगेशन जो होता है, एंड उसके बाद इस पे हम लोग को एनालॉग डिजिटल सारा टाइप का जो है हम लोग को इधर पे स्पीडोमीटर वगैरह मिल जाता है। काफ़ी सारा इस पे फीचर्स दिया गया है। अगर 5 सेकंड तक टैप करके रखूँगा इस स्विच को तो ये मीटर जो इधर पे चेंज हो जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा है, अभी ये डिजिटल का काम करेगा और इधर पे जो है इधर पे मैप का भी काम करेगा। सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाता हूँ सेटिंग वगैरह करके। और इधर पे जो है इधर पे काफ़ी सारा स्विच इधर पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हजार्ड का जो है स्विच इधर पे मिल जाता है। देखो ये है इसका इनबिल्ट हजार्ड लाइट जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एंड काफ़ी प्यारा सा लुक है यार इस बाइक का, मेरे को काफ़ी सही लगा ये बाइक। कैसे हम लोग GPS सेट कर सकेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आप लोग को फोन में रॉयल एनफील्ड का जो ऐप है उसको आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो है GPS कनेक्ट हो पाएगा। सी गाइस इधर पे हम लोग नेविगेशन को ऑन किए हैं फ़ोन में, और इधर पे अभी जो है ऐड न्यू डिवाइस, ये रहा कुछ ऐसा है। और उसके बाद इधर पे जॉयस्टिक से जो है इसको कनेक्ट करेंगे, ये जो नंबर है इसको फ़ोन में इधर पे टाइप करना पड़ेगा, डायरेक्टली स्कैन भी हो जा रहा है। इधर पे दिखा रहा है गाइस यू आर कनेक्टेड आईफोन को, एक लोकेशन हम लोग सेट कर लेते हैं, राइडर्स कॉर्नर का कर लेते सेट। टैप करने के बाद इधर पे गेट डायरेक्शन में क्लिक करने के बाद इधर पे ये आ जाएगा स्टार्ट नेविगेट, ये रहा कुछ ऐसा लुक्स आ रहा है गाइस। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये देखने में, मतलब आपको जो है इधर पे मोबाइल होल्डर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तो इधर पे बहुत इजीली जो है गाइस हम लोग अपना लोकेशन पे जा सकेंगे। तो फिलहाल गाइस हम लोग इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। तो देखो ये रहा इसका FI का साउंड, कुछ ऐसा है इसका एग्जॉस्ट नोट। और इस मीटर पे गाइस आप लोगों को सारा चीज़ का अपडेट मिल जाएगा, आज का वेदर का क्या अपडेट है, 24 डिग्री है, अभी टाइम क्या हो रहा है, ये रहा आपका RPM मीटर, इधर पे है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर वगैरह सारा कुछ है। और गाइस इधर पे ट्रिप 2 आ गया, एंड उसके बाद फ्यूल रेंज कितना किलोमीटर अभी ये बाइक चलेगा, फिर इधर इस पर आप लोग को माइलेज दिख जाएगा, एंड वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज भी गाइस इस पे हम लोग को दिख जाता है जो कि काफ़ी यूनिक सा चीज़ मेरे को लगा। इंजन का टेम्परेचर आप लोग इधर पे देख सकते हो। ऑल राइट गाइस तो अभी मैं करने वाला हूँ इस बाइक को राइड, एंड बाकी बात सारा कुछ क्या लग रहा है मेरे को, पावर कैसा है, सारा कुछ का बात करेंगे। एंड फिलहाल मैं इसका की को करता हूँ ऑन। सो की को ऑन करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा इसका मीटर देखने को मिल जाता है जिसपे काफ़ी सारा फीचर्स है जो कि मैंने आप लोगों को रिव्यू का टाइम दिखा दिया। और एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है अभी एकदम से न्यू है, और ऐसा डिज़ाइन जो है हिमालयन में हम लोग को पहले बार देखने को मिल रहा है, काफ़ी सही सा अपडेट दिया इसमें। और बात करो इस बाइक का टेल लैम्प का, तो इसका इंडिकेटर पर हम लोग को टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। चलो गाइस इसको राइड करके अभी देखते हैं, एंड फिलहाल मैं थोड़ा सा ऑफ रोड भी कर लिया, ये जो जगह है इधर पर सूरज बस ढलने वाला है, और चलो इधर से निकलते हैं कि थोड़ा देर बाद जो है गाइस थोड़ा देर बाद शाम हो ही जाएगा। ओके सो लेट्स गो। और भाई क्या सही सा मशीन है यार, पावर वगैरह काफ़ी अच्छा दिखे रखा है इस पर। एंड बात करूँ इस बाइक का सस्पेंशन का, तो काफ़ी सही है क्योंकि USD फोक्स ऐसा एक सस्पेंशन है जिसपे जो है हम लोग को ये गड्ढा वगैरह उतना कुछ फील नहीं होता है। और पावर देखो ना यार, कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। चलो ओ माय गॉड, भाई भाई सो मच पावर मैन, बहुत पावर है इसमें। फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने एक रील्स देखा था जिसपे हिमालयन 450 जो है 150 अब मतलब चला जाता है। और इसका हैंडल का जो सेटअप दिख रहा है ये भी एकदम कंप्लीट चेंज है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और सीट का अगर मैं बात करूं तो सीट जो है सीट भी इधर पे एडजस्ट हो सकता है, जो कि मैं आपको इस बाइक को राइड करने के बाद साइड पे रुक के मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सीट को जो है आप कैसे एडजस्ट कर पाते हो।
भाई क्या पावर है मैन, 135 और कितना स्मूथली गाड़ी जो है भाग रहा है, अमेजिंग अमेजिंग। इंजन का जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी सही है, काफ़ी फ्रेश है इसका इंजन। एंड और एक चीज़ गाइस मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस पर फ्यूल कंजम्पशन कितना एक बार देख लेते हैं, 34.6, 37.30 भाई, मतलब अच्छा माइलेज मिलने वाला है इस बाइक से। देखो अभी, देखो अभी बढ़ेगा माइलेज, हाँ सही माइलेज मिलने वाला है इस बाइक से। अभी देखते हैं और क्या क्या है, एकदम डिटेल में आप लोग को मिल जाएगा इस बाइक का। मीटर पे टाइम पे 800 ये सब का जो टैंक रहता है ना, वैसा टाइप का टैंक इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है, एकदम वैसा का वैसा नहीं है, बट हाँ इस प्राइस इस रेंज में जो है प्रीमियम एक एडवेंचर टूरर का आपको फील दे देगा। हम लोग काफ़ी दूर गए थे सिटी से और कितना जल्दी जो है रोड कवर हो गया, एकदम पता ही नहीं चला भाई। ये मशीन लेके लॉन्ग राइड करने में जो मज़ा आएगा ना, क्या ही बताओ। और इस बाइक पे हम लोग को दो मूड देखने को मिल जाता है, एक इको मूड हो गया और एक परफॉर्मेंस मूड हो गया, ठीक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इको मूड, हाँ ये रहा देखो, राइड मूड इको है इधर पे, परफॉर्मेंस ABS ऑन है, और उसके बाद इको ABS, अभी इको मूड मतलब सिटी में हम लोग को इको मूड में चलाना पड़ता है क्योंकि उतना पावर वगैरह चाहिए नहीं होता है सिटी पर। इस बाइक का सबसे अच्छा अच्छा चीज़ जो है मेरे को लगा प्रो इस बाइक का, मैं बता दे रहा हूँ, इस पर USD फोक्स आ जा रहा है, एंड उसके बाद इस पर सारा कुछ जो है हम लोग को डिजिटल देखने को मिल जा रहा है। ऊपर से इसका नेविगेशन सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, ABS स्विचेबल है, एंड उसके साथ जो है गाइस इस पर हम लोग को 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और कॉन्स का अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक का एक चीज़ मेरे को कमी अभी भी लग रहा है कि इस बाइक पर जो है ट्यूबलेस टायर नहीं दिया गया है। अगर ट्यूबलेस टायर इस पर होता तो कम्प्लीट हो जाता है ये बाइक, फिर भी कंपनी ने जो है कुछ चीज़ सोच के किया है। ऑफ रोडिंग बाइक पे ज़्यादातर हम लोग को स्पोक फील देखने को मिलता है, सो साइड पे रखते हैं इस चीज़ को। सो चलो गाइज अभी इसका सीट खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सीट का जो हाइट है उसको अप एंड डाउन आप कैसे कर सकते हो। सो इसका सीट को पहले हम लोग को खोलना पड़ेगा, रुको, ये रहा इसका सीट खुल गया, एंड ये रहा इसका सीट, ये निकल गया। सो एज यू कैन सी गाइस ये अभी इधर पे डाउन पे किया हुआ है, मतलब सीट का हाइट जो है डाउन किया हुआ है। अगर इसको हम लोग इधर से निकाल देते हैं, देखो ये हाइट हाई हो जाएगा, फिर ये इसका जो हाइट है ये फिर इधर से हाई हो जाएगा, तो कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। और इसको फ़िलहाल के लिए मैं डाउन में रख कर देता हूँ क्योंकि डाउन में करके मेरे को कम्फर्टेबल फील हो रहा है। तो कुछ ऐसा है गाइस इस बाइक का सिस्टम।